श्रीनगर में जखूरा के पास एसएसबी काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया है जबकि 8 जवान घायल हो गए। आतंकियों ने एसएसबी के काफिले पर 50 राउंड फायरिंग की। हमला जखूरा में सीआरपीएफ कैंप के पास हुआ जब एसएसबी की पेट्रोलिंग टीम की 6 गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। पीएम मोदी ने शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिक मानवता की मिसाल। पीएम ने कश्मीर और केदारनाथ की बाढ़ का जिक्र किया और कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी के बावजूद हमारे जवानों ने बाढ़ में कश्मीरियों की मदद की। शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने भोपाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री को भी इस टिप्पणी में शामिल करते हुए कहा कि हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जहां एक ओर सेना का शौर्य गान किया, वहीं सेना के लिए सरकार की खास योजनाओं का भी जिक्र किया। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। विश्व की पीस कीपिंग फोर्स है और हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि विश्व के इस पीस कीपिंग फोर्स में इतने वर्षों में लगातार सबसे अधिक योगदान करने वाला कोई देश है तो वो है हिंदुस्तान। जो पीस कीपिंग फोर्स है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि विश्व के इस पीस कीपिंग फोर्स में इतने वर्षों में लगातार सबसे अधिक योगदान करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। सर्जिकल स्ट्राइक पर इंफोसिस के एमडी एंड सीईओ विशाल सिक्का ने कहा कि इसका इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिक्का के मुताबिक उन्हें गर्व है कि सेना की चौकसी की वजह से वो अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं। I don't see any impact of that. So thankfully the armed forces keep us all safe to do our jobs. ब्रिक्स समिट कल से गोवा में शुरू होगा और इस समिट में पीएम मोदी समेत ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। समिट में ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर जोर होगा और साथ ही ब्रिक्स देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज ही गोवा पहुंच रहे हैं। रूस और भारत के बीच हजारों करोड़ रुपए की डिफेंस डील फाइनल हो सकती है जिससे पाकिस्तान को झटका लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 15 सालों में दोनों देश के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी और रूस 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को देगा। साथ ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और एडवांस मिसाइल भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले तिब्बती समुदाय के लोगों ने आज दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत पहुंचने से एक दिन पहले तिब्बती एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन कर तिब्बत के लिए आजादी की मांग की। राजधानी में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा और हिरासत में लिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत सीमा पार से चल रहे आतंकवाद के मुद्दे को आक्रामक अंदाज में उठा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात करेंगे तो वो आतंक के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के सामने पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद के सबूत रखेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कोर क्षेत्रों में बढ़ते एनपीए के लिए बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र में सुधार न होने के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि काफी सारे क्षेत्र हैं जो कि वैश्विक मंदी से प्रभावित रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्षेत्र सुधारों की गैर मौजूदगी के चलते ज्यादा प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तान को घेरने के लिए अब अफगानिस्तान भी भारत का साथ देगा। खबरों के मुताबिक भारत अफगानिस्तान की काबुल नदी पर बांध बनाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इससे काबुल नदी के पानी का इस्तेमाल स्थानीय सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के कारण काबुल का पानी अब सीधे पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। भारत नदियों पर इस तरह के प्रोजेक्ट को तैयार करने में अफगानिस्तान की मदद करके पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फारूख अब्दुल्ला ने कश्मीर के हालात पर श्रीनगर में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। कहा, हालात बिगड़ने की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और युवाओं का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि उसे शांति के लिए बातचीत की उम्मीद है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिनेमा ओनर्स एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि जिस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार होंगे उस फिल्म को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में रिलीज नहीं किया जाएगा। एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ने जो आज निर्णय लिया है कि वो फिल्में रिलीज नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उसमें करण जौहर की आदिल मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही करेक्ट डिसीजन नहीं है। उनको हक है अपने आप को सिक्योर करना, क्योंकि वो डर है कि हमारे थिएटर्स पे अटैक होंगे और नुकसान होगा, जो कि जायज़ है, एक डर जो है। पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की माने तो इस वित्तीय वर्ष में प्रवासी भारतीयों का 10,000 करोड़ डॉलर का निवेश भारत में होगा। PIOCCI द्वारा आयोजित सम्मेलन में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि वो जो भी उम्मीद करते हैं उसमें भारत सरकार उनके साथ है। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए लोगों में वो लोग हैं जो छोटी छोटी रकम का निवेश भारत में करने की इच्छा रखते हैं। आज दुनिया के देशों को लग रहा है कि अब हिंदुस्तान हमारे और ज्यादा नजदीक है। सबको ये लगता है कि वास्तव में इस बार का जो राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वो वास्तव में हिंदुस्तान भी प्रगति और तरक्की कर रहा है और आप सब लोगों के प्रति भी हमारा व्यवहार जो बन रहा है वो हम सबकी समझ में। सितंबर में थोक महंगाई दर 6 महीने में पहली बार घटी है। खाने पीने के सामानों के दाम घटने की वजह से सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर 3.57% रह गई है, जबकि अगस्त में ये 3.74% थी और इस दौरान सब्जियों की महंगाई दर नेगेटिव में पहुंच गई है। हालांकि दाल, आलू और फलों की महंगाई में उछाल आया है। सेंसेक्स आज 30 साल का हो गया है। 1986 में शुरू हुए सेंसेक्स के इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी रहे। 30 साल पहले सेंसेक्स का ये सफर 14 अक्टूबर 1986 में शुरू हुआ, लेकिन 1979 सेंसेक्स के बेस ईयर के तौर पर जाना जाता है। 100 की बेस वैल्यू के साथ शुरू हुआ सेंसेक्स आज 27,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। आज के कारोबार में भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। सेंसेक्स 30 अंक और निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ बंद हुई।
ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मिहिर वोरा का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, दूसरी तिमाही में नतीजे ज्यादा अच्छे रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ऑटो, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक और मेटल में नतीजे अच्छे रह सकते हैं। सीजन भी मोर ऑर लेस जो हमने जून में लैकलस्टर देखी थी, सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द मार्केट एज होल, उस तरह की लग रही है। ट्रेंड्स अगर देखें तो सिमिलर रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर फिनेंशियल्स हैं, मेटल्स एंड माइनिंग है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें यू माइट सी गुड अर्निंग्स ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी, फार्मा जो है उसमें लैकलस्टर रही, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी वीक रहेंगे रिजल्ट्स। सो ब्रॉडली जो हमने जून में ट्रेंड देखा था उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेशली ऑटो वगैरह जो है वो बरकरार रहेंगे, रिजल्ट अच्छे रहेंगे। सो जून और सितंबर में हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है एज फार एज द ओवरऑल ट्रेंड इज़ कंसर्न। इन्फोसिस के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का कंसोलिडेटेड मुनाफा 5% बढ़कर 3,610 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस दौरान कंपनी का एबिट मार्जिन 24.11% से घटकर 24.9% हो गया। कंपनी के डॉलर आय गाइडेंस भी 10.5% से 12% से घटकर 7.5% से 8.5% कर दी। TCS के कल आए नतीजे ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आए। ब्रोकरेज हाउसेस को TCS मैनेजमेंट की ग्रोथ कमेंट्री पर भरोसा नहीं लग रहा, जिसके चलते आज ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने TCS का लक्ष्य घटा दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना टावर कारोबार कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को बेच दिया। आरकॉम ने टावर कारोबार में 51% हिस्सेदारी 11,000 करोड़ रुपए में बेच दी है। ये सौदा नकद में किया गया और आरकॉम इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने के लिए करेगी। डीएलएफ 150 करोड़ डॉलर के रेंटल कारोबार से बाहर निकलने की तैयारी में है। रेंटल कारोबार बेचने के लिए डीएलएफ ने ब्लैकस्टोन जीआईसी को शॉर्टलिस्ट किया है। देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को कारोबार में मंदी का डर सता रहा है। 13 अक्टूबर को अर्निंग्स कॉल में एचयूएल की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी ने चेतावनी जारी की है कि भारत में उसे पतंजलि और हिमालय हर्बल्स जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूनिलीवर के मुताबिक इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी को ऐसे समय में प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़े हैं जब उसे पतंजलि और हिमालय हर्बल्स जैसी कंपनियों से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ में भी धीमापन आ रहा है और यूनिलीवर के मुताबिक अब भारत में हर कोई पतंजलि के प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहा है। जियो को COAI में अतिरिक्त वोटिंग अधिकार दिया जा सकता है। जियो ने COAI पर आरोप लगाए थे कि COAI में वोटिंग राइट्स में भेदभाव किया जा रहा है और COAI की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इसके बाद जियो ने COAI को चिट्ठी लिखी थी। COAI काउंसिल जियो की चिट्ठी पर 11 नवंबर को विचार करेगा। सरकार अब रियायती दाल बेचने के लिए पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का सहारा लेगी। जिन राज्यों में सरकारी दाल बिक्री केंद्र नहीं है वहां के पोस्ट ऑफिस में सब्सिडी वाली चना दाल, तुअर और उड़द दाल की बिक्री की जाएगी। ये फैसला खाद्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में लिया गया है। खाद्य सचिव हेम पांडे ने मीटिंग के बाद बताया कि सरकार फिलहाल नेफेड और मदर डेयरी के काउंटर्स पर सब्सिडी वाली दाल बेच रही है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कुछ वस्तुओं की कीमतें अधिकतम
खुदरा मूल्य से 5 गुना अधिक लिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि लोगों को इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। सरकार की इनलैंड वाटरवेज योजना को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। भारत और जर्मनी के बीच पोर्ट रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा समझौता होने वाला है। 1,00,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को पोर्ट्स के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा और इंडियन पोर्ट्स रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IPRCL के जरिए इसको अमल में लाया जाएगा। बम्बई हाई कोर्ट ने सेवा कर विभाग को निर्देश दिया है कि वो कारोबारी विजय माल्या के निजी विमान की फिर से नीलामी और बेचने की प्रक्रिया इस साल 15 दिसंबर तक पूरा करे। माल्या का विमान यहां के हवाई अड्डे पर खड़ा किया गया है और सेवा कर के बकाए की वसूली नहीं होने के कारण इसकी नीलामी लंबित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 तलाक पर विरोध को बेवजह की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना नजरिया सभी पर थोपने की कोशिश कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दिन पहले विधि आयोग के 3 तलाक और बहुविवाह जैसे प्रथाओं पर सवालों का विरोध करते हुए इसे सरकार का कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ाया गया कदम कहते हुए इसका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने संकेत दिए हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मुलायम ने आज लखनऊ में कहा कि एसपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ है और चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी के जीते हुए विधायक ही करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज समाजवादी परिवार में चल रहे झगड़े की खबरों पर चुटकी ली। शाह ने कहा कि अखिलेश को अपना कुनबा ठीक करना चाहिए। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने एसपी और बीएसपी को घेरते हुए कहा कि कानून व्यवस्था संभालना इनके बस की बात नहीं है। बीजेपी भी अब अरुणाचल प्रदेश सरकार का हिस्सा बनेगी। सूत्रों की माने तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू सरकार में जल्द ही बीजेपी का एक मंत्री शामिल होगा। तामियो तागा जल्द ही खांडू कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अरुणाचल में सरकार में शामिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। कहा पेमा खांडू और बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से उठाया फायदा। गौरतलब है कि पिछले महीने खांडू समेत 43 विधायक कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए थे। विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक थे और कांग्रेस में पूर्व सीएम नवाम तुकी पार्टी में अकेले विधायक बचे। दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाला मामले में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पुलिस ने पूछताछ की। मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। सवाल पूछे जाने पर सिसोदिया ने कहा कि काम करने से रोकने के लिए हमें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि सिसोदिया को समन राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। स्वाति मालीवाल ने घोटाले से इनकार किया। आम आदमी पार्टी के 27 और विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका चुनाव आयोग को भेज दी है।
राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से मामले की जांच के लिए कहा है और आम आदमी पार्टी के ये 27 विधायक लाभ के पद के मामले में फंसे हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारियों को लेकर लड़ाई फिर छिड़ गई। दिल्ली सरकार ने एलजी को उनके अधिकारों का अधिकार याद दिला है। दरअसल 400 फाइलों की समीक्षा के लिए एलजी ने शंगलू कमेटी बनाई है, जिसमें आरोप है कि इन फाइलों में तय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने एलजी नजीब जंग को शंगलू कमेटी को भंग करने का सुझाव दिया। ओडिशा में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस ने मासूमों पर कहर ढा रखा है। मलकानगिरी जिले में पिछले 34 दिन में 50 बच्चों की मौत हो गई। अग्रोहा धाम में 35वें वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में मेले का आयोजन होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि और 1,00,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अग्रोहा धाम मेले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ओबीसी में शामिल 100 उपजातियों को फिर से वैश्य समाज में लाने की तैयारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अग्रोहा मेले में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रतलाम से मंदसौर जा रही बस शुक्रवार को नामली के पास बारा पत्थर इलाके में पानी से भरी एक खदान में गिर गई, जिसमें 20 से अधिक की मौत हो गई है। बस में 40 से अधिक लोग सवार थे और यह हादसा शुक्रवार सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ। सूत्रों के मुताबिक बस की स्पीड तेज थी और बस के पानी से भरी खदान में गिरने के कारण यात्रियों का बचना असंभव हो गया। कश्मीर में तनावपूर्ण हालात के बीच सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश देती खबर आई है। दक्षिण कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक कश्मीरी पंडित युवती की शादी रचाई। जहां एक ओर बिगड़े हालात के चलते अधिकतर शादियां रद्द कर दी गईं, वहीं माँ बाप को खो चुकी कश्मीरी पंडित युवती शानू कुमारी का मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोगों के सहयोग से विवाह कराया गया। जोधपुर के दूल्हे की दुल्हन पाकिस्तान में फंस गई। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते के बीच दुल्हन को वीजा नहीं मिल रहा था। इस बीच जी राजस्थान ने दूल्हे की आवाज को विदेश मंत्री तक पहुंचाया तो विदेश मंत्री ने तुरंत पाकिस्तानी दुल्हन को वीजा जारी करवा दिया। सीजर नाम का कुत्ता 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान देश के लिए लड़ा। सीजर नाम के इस कुत्ते की मौत हो गई है और सीजर मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड का वो जांबाज था जिसने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए फ्रांस ने किया हिलेरी क्लिंटन का समर्थन। कनाडा दौरे पर आए फ्रांस के पीएम ने दिया बयान। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से 7 अंक आगे चल रही हैं। ट्रंप के समर्थक के रूप में देखे जाने वाले टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रीय स्तर पर कराए गए चुनाव पूर्व अपने ताजा सर्वेक्षण में कहा कि हिलेरी को 45% समर्थक और ट्रंप को 38% समर्थन मिला है। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप के महिलाओं से छेड़छाड़ वाली स्टोरी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अखबार का कहना है कि जनता से जुड़ी जानकारी होने के कारण इस खबर को प्रकाशित किया गया। बुधवार को प्रकाशित खबर में दो महिलाओं ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेश को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र का महासचिव घोषित कर दिया गया है।
उनकी नियुक्ति की घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुई। एंटोनियो गुटेरेश संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था के उच्चायुक्त रह चुके हैं। धर्मशाला में पहला वनडे खेलने पहुंचे विराट कोहली ने ट्विटर पर किया सेल्फी वीडियो पोस्ट। होटल रूम के अलावा धर्मशाला की कुदरती खूबसूरती की तारीफ करते दिखे कोहली।